जाओ उसे लेकर आओ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी स्नेक्स को, जो 2018 में रिलीज हुई है। ये एक चाइनीज स्नेक सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में हम ऐसे जायंट स्नेक्स को देखेंगे जो एक दूर दराज आइलैंड पर रहते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम वर्ल्ड वॉर टू का टाइम देखते हैं, जहां कुछ सोल्जर्स एक आइलैंड पर होते हैं। अब वहां पर कमांडर को झाड़ियों में हलचल महसूस होती है, तो वो अपने दो सोल्जर्स को वहां देखने भेजता है। पर उन दोनों को वहां एक जायंट स्नेक मार देता है और बाकियों को भी वो मार डालता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम एक स्कूल में लिंच को देखते हैं, जो एलिमेंट्री में बायोलॉजी का एक टीचर होता है। वहीं लिंच लेक्चर के दौरान बताता है कि आज से हजारों साल पहले अर्थ पर एक बहुत बड़ा स्नेक टाइटाना बुआ राज किया करता था। ये स्नेक एक ही बार में पूरे क्रोकोडाइल को निगल जाता था। और फिर यहाँ वो अपनी बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स का जिक्र करता है और कहता है कि वो इस स्नेक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंच का पढ़ाने का तरीका काफी अलग होता है और वो वहाँ सभी को काफी डरा देता है, और इस वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अब लिंच अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी बेटी बी उसका इंतजार कर रही होती है, और हमें पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब है। अब लिंच अपनी बेटी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, और वहाँ ह्यूगा लिंच को अपने बॉस काई टेंग से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। और यहाँ काई लिंच से जिक्र करता है कि उसने उसकी बुक पढ़ी है और वो एक बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट है। फिर वो चैप्टर 13 पर लिखे फ्रूट ऑफ लाइफ, जो एक फूल है, उसका जिक्र करता है, जिस पर लिंच शॉक्ड हो जाता है। अब लिंच बताता है कि उसने फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो बस थ्योरीज और स्पेकुलेशन है, और ऐसा रियल में कुछ भी नहीं। फिर वो लिंच को बताते हैं कि फ्रूट ऑफ लाइफ की खोज 1769 में ही हो गई थी, और इसमें जो कैडमियम पाया जाता है उससे वो किसी भी कैंसर का इलाज कर सकते हैं। और ह्यूगा बताता है कि मिस्टर काई ने 6 साल पहले एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी, जिसमें उन्होंने उसकी बुक से ही फ्रूट ऑफ लाइफ की स्पेकुलेशंस को लेकर उनकी जियोलॉजिकल टीम ने एक आइलैंड को खोज निकाला जिसमें फ्रूट ऑफ लाइफ मिल सकता है। अब मिस्टर काई लिंच को उस आइलैंड पर उन्हें लीड करने का कहता है, पर लिंच को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, जिस पर ह्यूगा कहता है कि मिस्टर काई ने पहले ही तुम्हारी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल सिलेक्ट कर लिया है, जिस पर लिंच उनके साथ जाने पर राजी हो जाता है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम उन्हें उस आइलैंड के पास देखते हैं, जहां लिंच को टीम लीडर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर काई की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, और हमें यहां से पता चलता है कि काई इसोफेगल कैंसर के मरीज हैं। फिर डॉक्टर लेन बताती है कि उन्होंने सब ट्राई कर लिया, अब फ्रूट ऑफ लाइफ ही उनकी आखिरी उम्मीद है। और वहीं लिंच की मुलाकात स्मार्टी से होती है, जो इस ग्रुप का जियोलॉजिकल एक्सपर्ट होता है। अब वो आगे बढ़ी रही होती है कि रास्ते में एक जगह काफी घनी धुंध आ जाती है, और जैसे ही बोट उस धुंध से होकर गुजरने लगती है, उसमें से उड़ने वाली पिरानास उन पर हमला कर देती हैं, और वो तादाद में काफी ज्यादा होती हैं, जिनसे बचने के लिए वो सब उन पिरानास पर फायरिंग करने लगते हैं। पर वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बहुत से लोगों की वो जान भी ले लेती है। इसीलिए कैप्टन बोट को फुल स्पीड में चलाकर बोट को धुंध से बाहर ले आता है, और फिर पिरानास उनका पीछा छोड़ देती है। अब आगे आकर कैप्टन बोट को रोक देता है और काई को बताता है कि फुल स्पीड में बोट चलाने की वजह से इंजन पर लोड आ गया है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस में घंटों लग जाएंगे। पर काई थोड़ा भी टाइम जाया नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो जंगल से होकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। अब आगे चलकर लिंच पानी पर टेस्ट करता है, और उसे पता चलता है कि इसमें कैडमियम के ट्रेसेस मौजूद है, जो यकीनन जंगल के अंदरूनी हिस्से से बहकर आया होगा। अब लिंच उन्हें जंगल से होकर आगे बढ़ने का मना करता है, क्योंकि इस आइलैंड पर कोई आया नहीं तो आगे पता नहीं और क्या क्या खतरा हो सकता है, इसीलिए वो नदी के रास्ते आगे बढ़ने का कहता है। पर यहाँ लीडर कहता है कि वो खतरों का सामना करने ही आए हैं, इसीलिए वो जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम बोट पर कैप्टन और एक लड़की लुई को देखते हैं, और वही दो वर्कर्स बोट के इंजन की मेंटेनेंस कर रहे होते हैं।
तभी वहां हम पानी में एक जायंट स्नेक की परछाई देखते हैं जो एक वर्कर पर अटैक कर देता है। अब उसकी चीख से दूसरा वर्कर उसे देखने जाता है तो वहां कोई नहीं होता और तभी अचानक से उसके पास उसकी डेड बॉडी गिरती है और वो जायंट स्नेक दूसरे वर्कर पर भी अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो लोग काफी चलकर एक जगह आराम के लिए रुकते हैं जहां लिंच को एक एक जगह एक्सप्लोसिव फ्रूट मिलता है जो कि एक फॉरेस्ट बॉम्ब होता है और जब ये फ्रूट पक जाता है तो ये एक धमाके के साथ फट जाता है। इसीलिए वो यहां नहीं रुकते और आगे जाकर एक दूसरी जगह आराम करने का डिसाइड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा स्नेक डॉक्टर लेन की तरफ बढ़ने लगता है जिसे देखकर लेन काफी डर जाती है। फिर एक सोल्जर उस स्नेक को पकड़ लेता है और उससे दूसरों को डराने लगता है और उस वक्त सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस सोल्जर के पीछे एक जायंट स्नेक आ जाता है और वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब सब उस पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन उसकी स्किन पर बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा होता और इसी बीच वो स्नेक एक नर्स को भी मार देता है। वहीं अब स्नेक स्मार्टी के पीछे पड़ जाता है और उसे ओसी आकर बचा लेती है। पर अब वो स्नेक ओसी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी लिंच वहां आकर स्नेक के मुंह में एक लकड़ी फंसा देता है और सोल्जर्स उस पर फायरिंग करते हैं जिससे स्नेक वहां से भाग जाता है। तभी लिंच को एहसास होता है कि लेन यहां नहीं है और वहीं वो स्नेक अब लेन के पास पहुंच जाता है और वो उसे मारता है। तभी लिंच उसे आकर बचा लेता है और लीडर एक ग्रेनेड निकालकर स्नेक के मुंह में फेंक देता है जिससे वो स्नेक फटके मारा जाता है। अब ये सब जब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें वहाँ स्नेक के अंडे दिखते हैं और लिंच कहता है कि वो स्नेक अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रहा होगा और तभी दो सोल्जर्स उन अंडों को गोलियों से भून देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये अंडे किसी और जायंट स्नेक के थे और अब उन्होंने उसकी माँ को जगा दिया है। अब रात में सभी एक जगह कैंप लगाकर आराम करते हैं जहां लेन लिंच का शुक्रिया अदा करती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। अब लिंच उसे अपनी वाइफ के बारे में बताता है जिसकी बोन कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी और वो कैंसर उनकी बेटी में भी पास ऑन हो गया है और उसका सही इलाज करवाने के लिए ही वो इस जगह आने पर राजी हुआ था। अब सुबह होती है और सभी आगे बढ़ने लगते हैं तभी उन्हें सामने से किसी के आने की आवाज आती है और वो बोट कैप्टन और लुई होते हैं और कैप्टन बताता है कि उनकी बोट पर एक जायंट स्नेक ने हमला कर दिया था जिस पर काई कहता है कि उस स्नेक को हमने मार दिया है और उस फूल को लेने के बाद ही हम वापस जाएंगे। अब वो सब आगे बढ़ते हैं और तभी उन पर मैन ईटिंग प्लांट्स का हमला हो जाता है और फिर से उनमें भगदड़ मच जाती है और वो सब बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ाने लगते हैं उन प्लांट से और इसमें कुछ लोग और कैप्टन अपनी जान गंवा देते हैं और बाकी लोग वहां से बचकर भाग निकलते हैं। वहीं बाकी लोगों में डर फैल जाता है और कुछ लोग आगे जाने को तैयार नहीं होते इसलिए काई एक को गोली मार देता है और सबको गन पॉइंट पर आगे चलने को कहता है इसलिए सब वहां से आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर उन्हें एक जगह काफी सारी एक्सप्लोसिव फ्रूट्स मिलते हैं इसलिए वो दूसरे रास्ते से होकर आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर उनके रास्ते में एक माउंटेन आ जाता है और स्मार्टी उन्हें बताता है कि उसके मैप के हिसाब से फ्रूट ऑफ लाइफ इसके पीछे होगा। फिर वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वो फूल खिलता हुआ दिख जाता है जिस पर काई काफी खुश होने लगता है और वो एक आदमी को उस फूल को लाने के लिए भेजता है और तभी उस पर वो जायंट स्नेक हमला कर देता है और ये स्नेक पहले वाले से भी काफी बड़ा होता है। अब वो सब उस पर फायरिंग करने लगते हैं जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर बाकी लोग एक जगह छुप जाते हैं। वहीं अब ओसी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन स्नेक उसे दूर फेंक देता है। अब काई लिंच को गन पॉइंट पर फूल लाने के लिए कहता है और लिंच उस फूल तक पहुंच जाता है और उसे काई के पास ले आता है। वहीं लीडर उस स्नेक से बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा होता है लेकिन वो भी उस स्नेक के आगे टिक नहीं पाता। अब स्नेक उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो लीडर उसे बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है और धमाके से उस स्नेक को कुछ नहीं होता और इसमें उसका बस जबड़ा ही टूटता है। अब फूल के मिलते ही वो लोग वहां से निकलने लगते हैं और वो स्नेक उनके पीछे आ रहा होता है इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए काई ह्यूगा को गिरा देता है और स्नेक वहां पहुंच कर ह्यूगा पर अटैक करके उसे खाने लगता है और फिर से उनके पीछे लग जाता है। अब आगे जाकर काई कमजोर पड़ जाते हैं तो लेन उसकी हेल्प करने आती है जिस पर काई उसे गिराकर उसकी टांग पर गोली मार देता है ताकि स्नेक उसे खाए। ये देखकर लिंच लेन की हेल्प करने जाता है पर तब तक स्नेक उन तक पहुंच चुका था पर वो काई के साथ में फूल देकर उन्हें छोड़कर काई को दबोच लेता है जिससे उसके हाथ से फूल गिर जाता है और वो उसे निगलने लगता है। अब लिंच उस फूल को उठा लेता है और उसे लेन को देकर यहाँ से निकल जाने का कहता है और स्नेक को वो अपने पीछे लगा लेता है। अब वो उसे लेकर एक्सप्लोसिव फ्रूट के पास पहुंचता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है पर वो बॉम्ब नहीं फटता और तभी वहां ओसी आ जाती है जो अभी भी जिंदा थी और वो उस फ्रूट को जोर से दूसरे फ्रूट पर मारती है जिससे वहां धमाके होना शुरू हो जाते हैं और स्नेक समेत वो भी उस धमाके की जिद में आ जाती है और स्नेक भी इसमें मारा जाता है। वहीं अब दूसरों को लगता है कि लिंच भी इसमें मारा गया है पर वो जिंदा लौट आता है और उसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।
फिर वो सब वहां से वापस लौटने लगते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्नेक्स की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।